फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इसमें आइडियाज। देखिए, आज मैं आपके लिए बेहद आसान सा बुनाई डिजाइन लेकर आई हूँ। इसे आप लेडीज, जेंट्स और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं। बेहद आसान सा पैटर्न है, जो सिर्फ दो सिलाइयों में जो डिजाइन बनता है और तीन तीन फंदों का डिजाइन है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, बॉर्डर के बाद सीधी साइड से हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे। डिजाइन को बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे चाहिए कि दोनों साइड हमने एक फंदा एज का इधर रखना है, एक फंदा इधर। पूरी रो में हमने ऐसे तीन तीन फंदे लेकर डिजाइन के डालने हैं, 3+3+2। बॉर्डर के बाद सीधी साइड से हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे। देखिए, फर्स्ट रो सीधे की ओर से पहला फंदा हमने ऐसे सीधा बनाया। अब क्या करना है, 1, 2, 3 फंदे हैं। देखिए, ये तीन फंदों को हमने ऐसे एक साथ लिया। देखिए, एक बार बुना, आगे लेकर आए, एक बार फिर बुना। तीन में से हमने जी तीन फंदे ही निकाल लिए। देखिए, 1, 2, 3। फिर से वही रिपीट करेंगे हम। पूरी रो में हमने यही रिपीट करते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपके आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। देखिए, पूरी रो में हमने ऐसे ही करना है। तीन में से हमने ऐसे तीन तीन फंदे निकालते जाना है। फर्स्ट रो हमारी सीधे की ओर से ऐसे ही जाएगी। देखिए, अगर आप इसे किसी जैकेट, कार्डिगन या स्वेटर में डाल रहे हैं, तो थोड़े से एक्स्ट्रा फंदे रखना, जे थोड़ा सा टाइट रहता है डिज़ाइन, या फिर आप थोड़ा सा इसे लूज हाथ से बनाना तो सही रहेगा। लास्ट का फंदा हमने ऐसे सीधा बनाया। फर्स्ट रो हमारी ऐसे कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड सेकंड रो, डिज़ाइन की लास्ट रो, ध्यान से देखना, एज वाला फंदा हमने उल्टा बनाया। देखिए, अब हमारे ये तीन तीन का पेयर आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, 1, 2, दो फंदे हमने पालवाइज निट किए। देखिए, दो फंदे हमने ऐसे उल्टे बना लिए। अब क्या करना है, जे लास्ट वाला फंदा और जे तीन फंदों के पहला फंदा, इनको हमने ट्विस्ट करना है। कैसे, पहले हम इस फंदे को बनाएंगे, तीन का पहला फंदा, और बाद में इस लास्ट वाले को हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे। आप चाहें तो उतार कर भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इजी रहता है। देखिए, पहले इस फंदे को बुना, बाद में हम इसे बुनेंगे, ये वाला उल्टा ही आएगा। पहले इसे बुना, बाद में इसे बुनेंगे, ये वाला उल्टा ही आएगा। पूरी रो हमने ऐसे ही करते जाना है। वेरी इजी इजी पैटर्न है जी। 2, 3, तीन फंदे दोनों साइड हमारे उल्टे आ गए। दो सिलाइयाँ हमारी इसके साथ कंप्लीट होती हैं। क्योंकि ऐसे हमारा जो पैटर्न बनता चला जाएगा। फिर से फर्स्ट रो रिपीट होगी। पहला फंदा हमने आज का उतारा। देखिए, 1, 2, 3 तीन फंदे लेने हैं। फिर से हमने ऐसे, जैसे हमारी फर्स्ट रो फिर से रिपीट हुई है, एक दूसरा जाली, और देखिए तीन में से हमने तीन फंदे ही निकाल लिए। फिर से वही मैं आपको रिपीट कर दिखा रही हूँ। देखिए, तीन में से हमने तीन फंदे निकाल लिए। पूरी रो ऐसे ही बनानी है। देखिए, फर्स्ट रो फिर से ऐसे हमारी रिपीट हो रही है। तीन में से हमने तीन फंदे निकाल लिए। लास्ट में ये फंदा हम ऐसे सीधा ही बुनेंगे। देखिए, फिर से बैक साइड से सेकंड रो रिपीट होगी। कैसे, 1, 2, 3 तीन फंदे बना लिए हमने। अब देखिए, इनमें से जे पहला फंदा हम पहले बनाएंगे उल्टा, और जे वाला बाद में। पूरी रो में ऐसे ही करते जाना है। तीन में से पहला फंदा पहले बुनेगा, इसे हम लास्ट में बुनेंगे। जे वाला फंदा पहले उल्टे बुनाएंगे, उल्टा बुनाई से बाद में।
देखिए बहुत ही आसान पैटर्न है जी, आप इसे ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिए। 1 2 3 लास्ट में 3 फंदे उल्टे। देखिए ऐसे ही हमारा जो डिज़ाइन आगे आगे बनता चला जाएगा, हम आगे आगे बनाएंगे तो जी ऐसे बनेगा पैटर्न।